Reshenu. Reshenu. Alpha, Lengsu, Vax Frintaku, Shenai on Umta. The scale geet nor sends them three at Zach. Shisa, when they sought. Cast, grint and pray, Dunsuk. Shisa, when they sought. Grint and pray, Dunsuk. Zordan. Menasco, Rita. ऐसी चीज नहीं चलेगी जो 10,000 pounds का हो। चुपचाप मेरी मदद करो यार। अरे मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा यार। धक्का लगा मेरे पैरों पर चढ़ गई है यार। अपने काम पर ध्यान दो। जो अभी से बांधो और निकलो यहाँ से प्लीज। ये गाय लगता हमसे खुश नहीं है। वो खुश नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अभी उसका दूध नहीं निकाला है। बैल का तो क्या ये बैल है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मतलब उसका सामान भी है। सही में वो उसका सामान है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो उसका सामान है? मैंने दोनों हाथ इस्तेमाल किए थे उसको पकड़ने के। दोबारा कभी बात करेंगे। अरे पुलिस आ रही है। जल्दी बैठो। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। जब भी मुझे लगता है कि तुम कोई बेवकूफी का काम करने वाले हो तुम उससे ज्यादा बेवकूफी कर बैठते हो। थैंक यू। तुम ना अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझो। अपने दोस्तों का नाम ना लेकर तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं वहां अकेला ही था, मेरे साथ और कोई भी नहीं। मजाक कर, अरे क्या बकवास है ये। तुम खुद को प्रूव कर सकते थे। मुझे हर गेम में तुमसे उम्मीद थी, तुम कुछ बन सकते थे, लेकिन अब सब गया। और अब तुम्हें पूरे साल यहाँ हर शनिवार आना पड़ेगा जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते यहाँ के इन बेवकूफ और क्रिमिनल्स के साथ। हाँ, जैसा कि आपने कहा, हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते। अब पूरे गेम में एक ही प्लेयर बचा है। क्या एंजल क्रो जीतेगी? वो 5 points डाउन है। जेसन स्कॉट ने अपनी जगह ले ली है। और ये आया बॉल, वाइकी से वो माची बॉल तैयार है, वो पास के लिए तैयार है। जेसन स्कॉट ने पास के
किया। ओ नहीं रुकिए, उसने पास नहीं किया, कोई गलतफहमी हुई है। वो बॉस के साथ भाग रहा है। वो पहुंचा 20, 15, 10 जेसन को। सॉरी, लो मैं मदद करता हूँ। तुम अजीब हो, पता है ना? तुम इसके साथ कई दिनों से रह रहे हो, क्या तुम पागल हो? इससे ज्यादा है तुम्हारे पास? ओ, तुम ही अपना नाटक बंद करके मुझे क्यों नहीं रोकते? हाँ, क्यों नहीं रोकते? क्या है तुम्हारी भाई? हाय, मैं जेसन और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। काफी एक्साइटिंग, और तुम हो गए डिटेंशन के बादशाह। शक्ल से बेवकूफ लगते हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ बिल्कुल, मजा आया नहीं? और अब मैं यहाँ पर रहूंगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। और मुझे लगता है कि तुम भी यही रहोगे। सो एक डील करते, कभी मेरे पास मत बैठना या उसकी, फिर सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, सो होमवर्क देखे या फिर अच्छा बर्ताव सीखने की कोशिश करें, मुझे लगता है वो ज्यादा चलेगा। ओके एंड गुड मॉर्निंग। तुम्हारा टेक्स्ट मिला, मैंने सोचा कहाँ हो तुम। सो ये वो जगह है जो तुम हर सैटरडे आती हो प्रैक्टिस छोड़कर। बकवास होगा। हाँ है। वैसे तुम्हें वो मेरी तस्वीर भेजनी नहीं चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा मतलब वो झूठ बोल रहा है। तुमने उसका दांत तोड़ा। पर अब वो ठीक है। जो हुआ सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ओह थैंक गॉड, हम तो आगे बढ़ेंगे तुम्हारे सिवा। तुम्हारा पता कट, सच में तुम शो प्रैक्टिस में जा सकती हो, पर मैं नहीं जाऊंगी। मदद के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे भी वैसे लोग पसंद नहीं है। सही है। ओ, तो हे, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्या आज रात हम कहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बिली, बिली क्रैनस्टन। या विलियम क्रैनस्टन, याद है बच्चे बिली की पूछ कहकर चिढ़ाते थे, मतलब कि बिली की पूछ टेढ़ी है जैसे कि मेरी, जो कि मेरी नहीं है। पर पूछ सीधी करना सच में मुश्किल होता होगा। नहीं, I'm sorry, मैंने कुछ गलत कहा। लेकिन आज मुझे डेट पे जाना है, वो भी हर रात ग्रोव शेरिफ डिपार्टमेंट में। सो आई एम सॉरी। रुको, नहीं, जाना मत। ठीक है, सो मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ आओ। दरअसल आज रात मुझे कहीं जाना था और वहाँ मुझे तुम्हारे लिए। मैं समझ गया, पर मुझे मेरे डैड ने हाउस अरेस्ट किया है, सो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वेल, मतलब मैं उसे ठीक कर दूंगा। मुझे पता है सिम का क्या करना है, मेरे पास वो टूल्स है। मुझे 7 बजे से पहले घर पहुँचना होता है। वेल, अगर तुम 7 से पहले मेरे घर आए तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। मेरे पास कार भी है, चाहो तो तुम चला सकते हो। और अगर तुमने मेरी मदद की तो कुछ घंटों के लिए तुम ले जा सकते हो। Thank you.
चलो हनी चलते हैं। उसके साथ जरा ठीक से पेश आओ। तुम्हें क्या लगता है उसे यहाँ वहाँ घूमते वक्त कैसे लगता होगा? इस बात को भी खत्म कर दो। Jason Scott? Billy? Billy? 666 मुझे पता है तुम्हारे पास चार मिनट है, वो कुर्सी लो। और ये सब क्या है? वो कुछ चीजें हैं जो मेरे डैड की है, करीबन सारी होती है। ठीक है, ये रहा यहाँ, अपना पैर इसमें डालो। ये क्या है? इससे काम हो जाएगा, ये सेल सिग्नल को रोक देगा अगर हम लकी है तो। इसमें तो 3 मिनट की वार्निंग है, अगर सिग्नल ऑफ हो गया तो। मेरे डैड को मरे हुए 7 साल 4 महीने और 2 दिन हुए हैं। ओके, तो काफी वक्त हो गया है। वो माइन में काम करते थे। बिली देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम अभी भी 45-55 रहते हो? बढ़िया घर है। तो हाँ, मेरे डैड के बारे में, हम एक साथ जाते थे और चीजों को ढूंढते थे, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज। मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा बिली। बिल्कुल उस शो की तरह, अमेरिकन पीकर्स। बिली ये सिग्नल शुरू होने वाला है। टीवी शो शुरू करना चाहिए जिसमें इतना पागलपन होगा। तुम कर क्या रहे हो? हमारा अपना खुद का टीवी शो। झूठ, कम ऑन, क्या सच में? तुम मेरी बात को समझ रहे हो? बिली कम ऑन। क्या अब तो मुझे छूना बंद करोगी? अच्छा हुआ जो तुमने दर्शन दिए। वेल, तो मुझे वैन देने वाले? बस कुछ देर के लिए, पर हाँ। अच्छा, और कितना दूर है? जस्ट 44 मिनट्स एंड 52 सेकंड्स। ओके, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। दैट्स ओके बिले। ओके, ये रहा गोल्ड माइन का एंट्रेंस और मेरे हिसाब से साइन कहता है बस चलते रहो। अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो तुम आधा रख सकते हो। ये वो रूल है जो मैंने डैड को दिया। वो इस पूरी जगह को तबाह करने वाले हैं, बस एक हफ्ते में ये सब खत्म हो जाएगा। क्या मैं सच कहूँ? डील ये थी कि मैं तुम्हें कहीं पर ड्रॉप करूंगा और मुझे कुछ घंटों के लिए वैन मिलेगी। ये बहुत ही अजीब है, मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं है और पता नहीं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और तुम्हें देख रुके, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओके, मैं बीमार हूँ। ओह, क्या ये किसी वर्कआउट प्रोग्राम जैसा है, जैसे ताइबो? नहीं, ये डायग्नोसिस है, एक्सक्यूज मी। पता है, इट वाज अ जोक, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, ये बात है, मुझे जोक समझ में नहीं आते, मतलब मेरा ब्रेन तुम्हारी तरह काम नहीं करता, पता है? ये अच्छी बात है। ये ऐसा है कि मैं जोक या सरकैज़म नहीं समझ सकता। okay. पर मैं बातें याद रख सकता okay. हूँ। हाँ, मुझे सब याद रहता है। रुक जाओ, ठीक है, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यकूब, ठीक है। वेल, हम पहुँचने ही वाले हैं, जो अच्छी बात है, इसलिए ये फ्लैश लाइट लो, क्योंकि आते आते अंधेरा होने वाला है। ठीक है, फिर से वापस आ गई। पागल लड़की, ये रोज यहाँ पर क्या करती है? हेलो,
किम्बली, किम्बली। ओके, ओके, ओके। तुम्हें मेरा नाम पुकारते देखकर अजीब लगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम्हें मेरा नाम पुकारते देखकर अजीब लगा, जैसे हम एक दूसरे को जानते हो। हम एक दूसरे को जानते हैं? हम एक दूसरे को पहचानते हैं पर एक दूसरे को जानते नहीं। मुझे पता है तुम टाई फ्लेमिंग को डेट करती थी। ओह, फिर तुम्हें पता होगा मैंने उसका दांत तोड़ दिया है। हाँ पता है, उसने वापस लगा लिया। डैड मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं, आपको मुझ पर फख्र होगा। डैड मैं आपको बताना भूल गया, मैंने मॉम की परमिशन के बगैर वैन ली। वेल मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है। खैर मुझे फोकस करना है। ओके सो व्हाट आई डूइंग हियर? मेरा पीछा कर रहे हो? मैं यहाँ बिली के साथ आया हूँ। बिली क्रांस्टन? अजीब है, पर मैंने उसे यहाँ पहले भी देखा है। मेरा घर पहाड़ के उस तरफ है, मैं यहाँ हाइक करने आती हूँ ताकि थोड़ा सा सुकून मिले। और फिर मैं एंजल ग्रोव को देखकर सोचती हूँ इतना घटिया शहर मेरे लिए इतना सिरदर्द कैसे बन सकता है। तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं, वो दरअसल मुझे भी वैसा ही लगता है। हाँ, जेसन स्कॉट स्टार खिलाड़ी जो हमेशा बर्बाद करता है अपना करियर भी और खेल का मजा भी। गो टाइगर्स। हाँ, और अब जब मैं रास्ते पर चलता हूँ तो लोग मुझे इस तरह से देखते हैं जैसे कि मैं कोई खूनी हूँ। तो तुम निकल क्यों नहीं जाते? मतलब जस्ट गो, मैं जा सकती हूँ, यू नो। कहाँ? गॉड, कहीं भी। ओके देन लेट्स गो। व्हाट? तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। ट्राई करके देखो। ओह रियली, यू एंड मी? तुम्हारे पास कार है? मेरे पास वैन है। ओह दैट्स क्रीपी। वो उस तरह की वैन नहीं। हर वैन उस तरह की वैन होती है। सो लेट्स गो। तो मुझे चैलेंज कर रहे हो? क्योंकि मैं चलूंगी। ये काम नहीं कर रहा है। वो, वो, इसने तो मेरी बैंड बजा डाली। गो 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 गो। ओ, ए, ओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो कई सालों से ये कर रहा हूँ। hey, आराम से भाई, क्या हुआ, क्या बात हो गई? हा? मैंने इसे पहले भी यहाँ देखा। hey, और तुम यहाँ चीजों को ऐसे उड़ा नहीं सकते, समझे? तो बस थोड़ा और गहरा खोदने की कोशिश कर रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। चिल्लाओ मत, हम तुम्हें सुन सकते हैं। ओके हाँ ठीक है। hey! okay. तुम लोग चाहते हो कि पुलिस तुम्हें जेल में डाल दे, क्योंकि इस जगह पर आना मना है। ओहो रियली आइंस्टीन, मतलब हमें भी तुम्हारी तरह पत्थरों पर खड़े होकर पागलों की तरह मूव करना चाहिए, है ना? और तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा तुम पुरानी ट्रेन पर कैंप करते हो, मैं भी तुम्हें जानती हूँ। यहाँ आज रात बहुत सारी माइन सिक्योरिटी है। मुझे नहीं पता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तुम ठीक हो? या हाँ मैं ठीक हूँ। देखो ये जो भी है
क्या इसके पैसे मिले? नहीं, वो उसे मिला है। So just chill, okay? Just chill. Guys, guys, तुमने वो सुना? Mind security. तुमको ये आखिर किसने दिखाया? सुनो, मैंने दिखाया। बिली, भागो, रुको, रुको, रुको। जेसन, जेसन दरवाजा खोलो यार, दरवाजा खोलो। बाहर क्यों खड़े हो? क्या कर रहे हो? तुमने उन्हें देखा हुआ हमारे पीछे? मुझे पता नहीं। बाकी सब कार तुमने यही छोड़ोगे? कस के पकड़ो। वो 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 जेसन, जेसन तुम क्या कर रहे हो? Thank you.
ओए किधर गया तेरा बॉडीगार्ड? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कलाई आराम से तोड़ने वाला हूँ जिससे तुम्हें दर्द होगा। तो मैं पागल हूँ या वो पागल बंदा? भाई वो पागल बंदा, हम ट्रेन से टकराने के बाद भी यहाँ सही सलामत खड़े हैं, आखिर ये हुआ कैसे? मुझे नहीं पता हम वहाँ से घर कैसे पहुँचे, और कल मैं पूरा दिन सोई हुई थी। हमें बिल्ली को ढूंढना है। पता, मैं झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता था, और मैंने कहा हे भाई देख मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, अगर तुम झगड़ा करना चाहते हो तो फिर लो मुझसे पंगा। हाँ हो गया, लेकिन कैसे मैं बता नहीं सकता। बिल्ली, हे किम्बली, किम्बली हार, वी नीड टू टॉक। बिली मेरी तरफ देखो। हाँ। तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? तुम्हारा मतलब बाकी दिनों से अजीब? हाँ अलग। ओ। सुनो, हमें पता है वहाँ कुछ तो जरूर हुआ है, मैं बदल गया हूँ। मैं भी मैं ताकतवर बन गया हूँ। कितनी ताकतवर? कुछ ज्यादा ही ताकतवर। मुझे लगता है हमें वहाँ वापस जाना चाहिए। काउंटर गर्म हो गया है। हम आज ही वहां जाएंगे। या ऊपर वो नीचे है। क्या वो यहाँ की औरत थी? बहुत अजीब और गरीब दिख रही थी, तुम खुद देख सकते हो। बहुत बदबू है, कैसे रहते हो तुम लोग? अब देखो यहाँ पर किसी पुराने फिशिंग बोट में जहाँ पर लाखों टन मरी हुई मछली है वहाँ बदबू तो आएगी, लेकिन ये डरावना है। अच्छा तुम्हें मेरी जरूरत है? नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे सोने जाना है। इसे बंद कर देना, फ्रिज में थोड़ी बियर रखी। अब ये क्या है? ये मैं हूँ, यहाँ एक लाश है सड़ी हुई औरत की। जो चल रहा है चलने दो। गाइस देखो वो वही बंदा है। कुछ इंटरेस्टिंग मिला क्या? अगर मिला भी तो उसे मैं रखूंगा। हमें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। अच्छा तो तुम लोग भी जिंदा उठे और अचानक पता चला कि तुम लोग ताकतवर हो गए हो। हाँ वैसे ही कुछ, वेल नहीं, हम बदल गए हैं, ठीक है, सब बदल गया है। तुम जैक हो राइट? यप। तुम अभी एंजल ग्रोव जाते हो? हाँ कभी कभी। पता है थोड़ी देर पहले वो लड़की भी यहाँ पर आई थी। तुम्हारा मतलब वो लड़की जो वहाँ है? यहाँ नीचे आ जाओ और मिल के कुछ रास्ता निकालते हैं। ये तो चपकली है। ओके लेट मी हैंडल दिस। से ऊपर गए? नहीं, रुको रुको रुको। स्टॉप। बस मुझसे बात करो। तुम्हारे पास कॉइन है, हमारे पास कॉइन है, हमें बात करनी होगी। मेरा मतलब हम नहीं जानते कि वो नहीं, वो व्हाट, इसकी प्रॉब्लम क्या है?
तुम पागल हो और मैं भी। वो जैक रुको नहीं, रुको नहीं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। क्या करो मैंने पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। बस कूद जाओ। चलो मेरे साथ कूदो। नहीं 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 मत कूदो मत कूदो। ओके मैं उसके साथ कूदने वाला हूँ फिर तुम मेरे बात कूदो। ओके बहुत इजी है। नहीं 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 मत कूदो मत। नहीं नहीं ये उतना भी आसान नहीं है। Are you alright? हाँ बिल्कुल मस्त हूँ। तुम कर सकते हो बिली। नहीं कर सकता। मजा आएगा। ये बहुत बड़ी छलांग है। ओ कमान बिली कमान। हम सब ने किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा यकीनन। बस कूदो जल्दी आओ। ये शायद 100 फीट से ज्यादा गहरा होगा जिसका मतलब है मौत तो आनी ही है। तो अगर तुम मर गया बिली फिर क्या होगा? ओके तेरी मॉम अकेली पड़ जाएगी और उसे कोई और मिल जाएगा पर वो नहीं कर सकती क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो डरा हुआ है। वो करेगा देखना वो ठीक है। ओके क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऊपर चढ़ो ऊपर ऊपर आ जाओ। तुम कर सकते हो। हमने कहा था ना मिली तुम कर सकते हो। देखा कहा था ना। यस मजा आया। मिली मिली मिली। ओह माय गॉड मिली। क्या हमने उसे मार दिया? अब हम क्या करें? इस पागल लड़की को भी नीचे ला। Come on guys, let's go. Hey, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। पर पूरा मत खत्म करना। थैंक्स। ओह एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी किस लिए? वेलकम टू द क्लब। एकदम पागल लड़की है। मैं वापस करना चाहिए। बिल्कुल मुझे तो मजा आ रहा है। बहुत सही है। अच्छा ब्लू बन गया। कलर मुझे अच्छा तो नहीं लगता पर ठीक है। और मैं ब्लैक हूँ। क्या मैं ब्लैक हूँ? नहीं तुम नहीं हो। नीचे कुछ है मेरे साथ है।
लिसन, मैं फिसल रहा हूँ। अगेन रुको, ये बहुत अजीब है। क्या कुछ महसूस हो रहा है? यहाँ कुछ तो है। दीवारें थरथरा रही हैं। कम ऑन। ये नहीं हो सकता। लाखों सालों से बड़ा हुआ होगा, मतलब जरा देखो, ये बिल्कुल पत्थर बन गया है। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। Hey guys, इसे देखो। Okay. जेसन, क्या ये सच है? मतलब क्या हम असली स्पेसशिप में हैं? लगता तो वही है। जरा शांत रहो। ओके ओके। हे, हमने काफी कुछ देख लिया, क्या अब हम निकले यहाँ? क्या हम फेमस होने वाले हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जैक? तुम्हें लगता है कि ये यहाँ कोई तो है। क्या था वो? ये क्या हो रहा है? वो सीढ़ी। यहाँ से निकल नहीं सकते। भागो, भागो, जल्दी भागो, जल्दी। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे मारोगे कैसे? हम पांच हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। एक और कहाँ गया? एक दो तीन चार ओ हो रहा। स्वागत है तुम्हारा। ये स्पेसशिप बरसों से जमीन के नीचे है, कब से इंतजार कर रहे हो हमारा? आज कौन सा दिन है? मंडे। यही कोई 65 मिलियन ईयर्स से। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। तुम सब कितने जवान हो? क्या ये उन कॉइंस के बारे में? हाँ, वो कॉइंस के बारे में। अलग कलर्स, अलग बच्चे, अलग अलग कलर्स के बच्चे। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो घूम जाओ, घूम जाओ। आगे जाओ। मुझे डर लग रहा है। 2, 3, 4, 5 अलग अलग कलर्स, वो जरूर काम करेगा। एक साथ रहते हैं और जैसे ही हमें मौका मिलेगा। ओके, और अगर हमें चांस नहीं मिला तो हम उसे मार देंगे। इसे दर्द होना तो नहीं चाहिए। प्लीज इस पे अपने कदम रखो। हम ये देख रहे हैं। हे, एक सवाल, तुम क्या हो? मैं हूँ अल्फा 5, एक अल्फामिक लॉर्केट पर्सोना एंड्रॉइड। क्या उसने कहा वो अल्फा 5 है? मैं एक बोलने वाला रोबो हूँ, मुझ पे भरोसा कर सकते हो। बिली, oh,
तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? क्या वो इंसानी जरिया है? बहुत अच्छा है। Zordon, from Museum of Arta. Denza Ilortrenu, Alpha. Craig Dizak. Suach, Den Kast. Zum Dreiex, Portanskas. Denza Vunchenu. Tor, Jin Fran, Ax, Portanskas. Tell me, tell me. Bridge. Vostanzo Yanzu. Shalom. Craig Portans, Tete. Gitor, Quisle Latin, La Portans. Tell us, tell us. Thuach, Lilantum cast. Thuach, the Aho cast. Vapas ajao, please. Hamare paas koi option hai. Lagta to nahi hai. Tana finai, shinat butan tach English. Tiax portans, buntan frugano. Dekho, ye hai Jordan. Kya? Jordan, wo nahi jante aap kaun hai. Ajao. जल्दी आओ। क्या ये है वो? ये कितने छोटे हैं? अजीब है, मैंने भी यही सोचा था। तो तुम ये कह रहे हो कि ब्रह्मांड की किस्मत इन छोटे बच्चों के हाथ में है? ब्रह्मांड? वो तो बड़ी जगह है। That's a big place, Murdo. बचपना और परिपक्वता के बीच में अटके है, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे पॉइंट दिखाओ। मॉर्फिन रीड कभी गलत नहीं होता। अगर पावर कॉइंस शिप में वापस आए हैं बच्चों के साथ, इन बच्चों के साथ, तो इसका मतलब है कि ये बच्चे ही हैं पावर रेंजर्स। ओके, एक छोटा सा सवाल। हेलो, रोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्या मैंने सही सुना? पावर रेंजर्स? हाँ हाँ, तुम लोग ही हो पावर रेंजर्स। कोई और सवाल? नो, आई थिंक आई एम गुड। ठीक है, मेरा एक सवाल है। कैसे हैं आप? वो ओके, मेरा नाम बिली है, बिली क्रैंस्टन। पहले मुझे बुलाते थे बिली की पुलिस। चुप रहो, माफ करना। यहाँ पर दिखने वाली इमेज पावर रेंजर्स की कहानी बताती है। ऐसा लगता है जैसे पावर रेंजर्स की टीम है जो जीवन की रक्षा करती है, और जीवन है तेज रोशनी या रोशनी का टुकड़ा। बहुत अच्छी बिली, उसे कहते हैं सीओ क्रिस्टल। ओ, मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। और ब्रह्मांड का वो हर ग्रह जिस पर जीवन है उसके अंदर एक क्रिस्टल गड़ा हुआ है। 65 मिलियन इयर्स अगो जॉर्डन की टीम शहीद हो गई क्रिस्टल की रक्षा करते हुए, जिसे एंजल ग्रुप कहते हैं। कॉइंस ने तुम पांचों को चुना है, और अब तुम रक्षा करोगे सीओ क्रिस्टल की और पृथ्वी पर बसे जीवन की। क्योंकि हम पावर रेंजर्स। ये होशियार है। एक्सक्यूज मी, पर क्या ये जोक है? क्योंकि मैं यहाँ गीले कपड़ों में खड़ी हूँ, मेरे सॉक्स गीले हैं, और हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, हम दीवार से बातें कर रहे हैं, मतलब। समझा नहीं, हमें वो डरावना सपना क्यों दिखाया? वो डरावना सपना नहीं था, भविष्य था। क्या वो सच में था? लग तो रहा था। और वो औरत कौन थी? उसका नाम है रीटा रिपुल्सा। वो तैयार करेगी गुलडार को, एक बहुत बड़ा राक्षस जो क्रिस्टल को धरती से बाहर निकालेगा, और फिर तुम्हारे ग्रह पर बसा सारा जीवन खत्म हो जाएगा। क्रिस्टल की मदद से रीटा को किसी भी दुनिया को बर्बाद और नई दुनिया बसाने की शक्ति मिलेगी। आप कहना चाहते हैं कि हम उस रीटा को जाकर मार डाले, है ना? रीटा, उसे रोकना होगा।
और वो कब आ रही है? वो यहाँ पहुँच चुकी है, मेरे ख्याल से हमारे पास 11 महीने है। ओ माफ करना, दिन दिन 11 दिन। अगर हम पावर रेंजर्स हैं और ये हमारी शिप है तो मैं अगर दरवाजे से बाहर जाना चाहूँ तो क्या वो खुलेगा? हाँ जरूर। लेट्स गो। सुनो क्या कर रही हो? नहीं 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 वापस आओ, नहीं नहीं जाओ। मेरी रेंजर टीम शहीद हुई रीता से क्रिस्टल को बचाते हुए, यही वजह है कि मैं इस दीवार में हूँ। आपको मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि अगर तुम जेसन स्कॉट हो तो तुम हो लीडर और तुम ही हो लाल रेंजर। रीता भी रेंजर थी और मेरी दोस्त, पर उसने हमें धोखा दिया। उसे शक्ति की चाह थी, वो भटक गई। अब वो सिर्फ एक शैतान है। तुम्हें उन सबको वापस लाना होगा, सारे रेंजर्स को। तुम्हें अपनी टीम को तैयार करना होगा इससे पहले कि रीटा को क्रिस्टल ढूंढने की शक्ति मिले। ओके, मैं जा रहा हूँ और मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ। नहीं, तुम सबकी तरफ से बोलोगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तुम इसीलिए जेल में हो। अब तक आई हो तुम भी? तुम असल में हो कौन? क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? उसका नाम है डीडी। श्विनी, वो कॉलेज में नहीं है, एक महीने पहले आई है। हम एक ही क्लास में है, राइट? मैं एंजल ग्रोव में एक साल से हूँ, हम एक साथ बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना? मिलकर अच्छा लगा। वेट, लुक, हम में से कोई एक दूसरे को नहीं जानता है। ओके, बट समहा हम सब के सब एक ही जगह पर एक साथ थे जब बिली को वो कॉइन्स मिले थे। और कोई भी रुको, क्या मैं एक सवाल पूछूं? क्या हम सच में सुपर हीरो से? मतलब हम आयरन मैन या स्पाइडर मैन की तरह है? क्योंकि मुझे स्पाइडर ने काटा और मैं ठीक हूँ। मतलब अजीब नहीं है, बस अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे भाई, तुम कोई सुपर हीरो नहीं। क्या तुम खुद को हम सब का बॉस समझ रहे हो? है जरा रुको, क्या ये रीटा वगैरह सच में होगा? क्या इसमें से कुछ भी सच है? आई डोंट नो, पर मुझे यकीन है कि जो भी हमारे साथ बिगड़ा हुआ है या जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका जवाब यहीं पर है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन कल शाम 4 बजे मैं यहीं रहूंगा। हे जेसन, हम वैसे ये सही है, सब सही है। हाँ। समझ में नहीं आता मैंने वैसे पहले क्यों नहीं सोचा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ थी? तुम्हारा कोई दोस्त भी है? सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम उससे इतने सवाल पूछती हो कि वो किसका जवाब? क्योंकि वो भूत की तरह भटकती रहती है। कुछ तो बात करो। जून, बोलो कुछ, बोलो। मैं बस रिलैक्स। ओके ओके ट्रिनी, चलो बात करते हैं। आज पूरे दिन तुमने क्या किया, प्लीज हमें बताओ। मुझे और एंजल ग्रुप के 4 दोस्तों को जमीन के नीचे एक स्पेसशिप मिली है। क्या? मुझे पक्का यकीन है मैं सुपर हीरो हूँ। बोल, बकवास। पी इन द बॉटल। क्या ये यहाँ मेरी गलती याद दिलाने के लिए? नहीं, भंगार वाले ने इसे लेने से मना किया और इसके फ्रेम ठीक नहीं है। हालांकि बाकी चीजें सही हैं, इंजन भी चल रहा है। मैंने सोचा कि शायद तुम इसे चलाना चाहोगे। की भयानक हादसा है, आपको मेरे साथ आना होगा। आज अजीब कटोर की वजह से आमतौर पर शांत रहने वाला इंजन क्रू ने मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा।
कर रही हो? मुझे सोना चाहिए मेरा सुंदर सा गोल्डर बनाने के लिए। गोल्डन लाइक ये क्रिस्टल मैं लूंगी ये यूनिवर्स। मतलब के लिए हैं। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए नहीं करोगे। तुम कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करोगे जब तक तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मजबूर ना करे। और तुम अपनी पहचान छुपा कर रखोगे हमेशा। रेंजर पहचान बनाने के लिए पुरानी पहचान मिटानी होगी। क्या तुमने पहले कभी ऐसा किया? यस, केवल नहाते वक्त। ओके ओके, चलो अब अपने कदम यहाँ में रखो प्लीज। कोशिश करते हैं इस सर्कल में टीम की तरह खड़े होकर तुम आसानी से मॉर्फिन ग्रिड से जुड़ जाओगे। कुछ महसूस हुआ? हाँ, शायद हुआ। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। अपनी पहचान बदलनी होगी कवच को पाने के लिए। मुझे पता था हमें आर्मर मिलेगा। जेसन, हम सबको आर्मर मिलेगा। कूल, तो हमें आर्मर दे दो। तुम अंदर से शक्तिशाली हो। एक दूसरे से जुड़कर तुम्हें अपनी शक्ति को बाहर निकालना होगा। साथ ही मॉर्फिन ग्रिड से जुड़ना होगा। अपने मन को शांत करो, फोकस करो। जीवन को बचाने की शपथ ली है। और तुम लोग बनोगे वो योद्धा। कुछ काम बना? अल्फा 5 वो मॉर्फ क्यों नहीं हुए? नहीं, मुझे नहीं पता सर। ये अजीब है, बहुत ही अजीब। शायद और वक्त लगेगा। हमारे पास वक्त नहीं है। अगर वो मॉर्फ नहीं हो पाए तो हम क्या करेंगे? उन्हें कवच के बिना ट्रेनिंग लेनी होगी। उन्हें तैयार होना होगा। कवच के बिना? सर, उसे तो बहुत तकलीफ होगी। अल्फा 5 उन्हें नीचे ले जाओ। ठीक है, मेरे पीछे आओ, हम नीचे जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना नीचे क्या है। तो ये रही तुम्हारी युद्ध भूमि। बढ़िया है ना? अल्फा 5 अभ्यास शुरू करो। माफ करना दोस्तों। चिल आउट डूड। ये जानवर जो तुम्हारे सामने हैं, वो रीटा की आर्मी में मौजूद जानवरों से मिलते हैं। उन्हें कहते हैं बजीज। तुम्हें रीटा तक पहुंचने के लिए उनसे लड़ना होगा। रिलैक्स गाइस, ये होलोग्राम है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। देखो, ये कोई ऐसा वैसा होलोग्राम नहीं है। वो वीडियो गेम नहीं था। इसी वजह से तुम्हें कवच में मौत होने की जरूरत है। अगर रीटा अपनी सेना बनाने में कामयाब हुई तो वो होगी अंत की शुरुआत। रेंजर्स, ट्रेनिंग में स्वागत है। तुम सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। केंद्र बिंदु पर निशाना साधो। एक और बार चलो, मौका देखकर उनकी कमजोरी ढूंढो। ध्यान से, आराम से पंच मारने की कोशिश करो। नहीं, एक और बार। अब आएगा मजा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग। धन्यवाद। स्वागत है, तैयार में सभी। तुम्हें अटैक करना है सरप्राइज देकर। देखो, फिर से ट्राई करते हैं। अपना पैर हल्का करो, हाथों पर।好心早点नीचे ले जाओ। अब मुझे देखो, झुको, पकड़ो, फेंको।
बस एक दूसरे के बारे में सोचो और फिर मॉर्फिन ग्रिड तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्या ये काम कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा है। Come on, try harder. तुम मुझे कौन से करते देखने के लिए मत बोलो, बस मुझे फॉलो करो। एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है। चेक, अभी सही वक्त नहीं है। चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। क्रिस्टल का पता लगाने के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन जंग में खो गई थी, इसीलिए बिली क्या तुम सुन रहे हो? बिली तुम क्या कर रहे हो? बिली उत्तर दिशा, एक दो तीन, आज सेंट एंड्रयूज सिमेट्री में दो मछुआरों को दफनाया गया। एंजन ग्रोव के रहवासी सदमे में हैं। हर तरफ डर का माहौल बना हुआ है। खून के इस सिलसिले से पुलिस चकरा गई है। हालांकि पुलिस को हर क्राइम सीन से गोल्ड गायब होने की खबर मिली है। अब बस इतना ही कहा जा सकता है कि एंजन ग्रोव के इस गोल्ड की अगर रीटा ने गोल्डार को बना दिया, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? और अगर उसने जमीन से क्रिस्टल निकाला तो फिर समझ लो धरती पर 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बराबर होगा। क्या तुम हमें डरा रहे हो? तुम इसे और मुश्किल बना रहे हो। देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम कभी तो हमें अच्छी खबर सुनाया करो। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी मेहनत, इसलिए मैंने तय किया है तुम्हें कुछ अच्छा दूँ। इस दीवार के उस तरफ तुम्हें जो भी मिलेगा उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चलो चलो जल्दी आओ। ये देखो जॉर्ज, बढ़िया है ना? ये धरती के किसी भी शक्तिशाली चीज का रूप धारण कर सकते हैं। जब इन जॉर्ज का निर्माण हुआ, डायनासोर सबसे शक्तिशाली थे। वो तुमसे ही जुड़े होंगे और उनकी शक्ति किसी से भी परे होगी। बहुत अच्छा। पर इस शक्ति के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे मौत होने के बाद तुम्हारा कवच इन जॉर्ज के साथ काम करेगा, इसलिए चलो ट्रेनिंग करते हैं। आज वो दिन है जब तुम रेंजर्स बनोगे, मुझे यकीन है। ओके, लेट्स गो। एक बात याद रखना, आज के ट्रेनिंग लेसन में सबसे जरूरी बात है, रुको, जैक कहाँ है? सीरियसली? तुम ठीक हो? इतना बुरा भी नहीं था ये। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को मरवा सकते थे और साथ में हमें भी। अरे पीछे हटो बॉस। झगड़ा मत करो। चलो यार लड़ना बंद करो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? ओ, ये तो बढ़िया है। हाँ सच में ये बढ़िया है। ओके रुको, हेलो उसे छूना मत। जैक छूना मत, उसे छूना मत। ये कहाँ गया? वापस लाओ इसे, वापस लाओ डूड। निकलो यहाँ से, आज के लिए ट्रेनिंग खत्म हुई, घर जाओ। माफ कीजिए, वो अभी अभी मॉर्फ हुआ, उसने किया आपने देखा ना? फिर से करो, मेरे पीछे आओ कोई एक। तुमने वो कैसे किया? कमॉन दिखाओ, देखना चाहते हैं। दिखाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा हूँ।
आगे तुमने किया कैसे दिखा? ओके, हमें नहीं पता कैसे किया। मुझे वही लगा था, अगर तुम मॉर्फ नहीं हो सकते तो तुम रेंजर्स नहीं हो। घर जाओ तुम सब। सीरियसली? हीरो बनने का मौका हाथ से चला गया। हे गाइस, गाइस देखो, मुझे लगता है रात यहीं गुजरने वाली और हम यहाँ यहाँ पर रुककर खाना भी खा सकते हैं। मंजूर है। ऑलराइट, कूल है। जेसन की टीम हार रही है, मुझे रीटा को खुद खत्म करना होगा। कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं दीवार से बाहर निकल सकूं। हाँ हाँ, पर अजीब बात ये है कि आपको रेंजर्स के मॉर्फोनी की जरूरत है। अगर वैसा हुआ तो आप उस शक्ति से अपना शरीर वापस पा सकते हैं। कोई और रास्ता जरूर होना चाहिए। क्या जॉर्डन, आप क्या नहीं कर सकते? हमारे मॉर्फ होने का इंतजार नहीं कर सकते ताकि आप लाइफ में वापस आ सके? ये सब उसी के बारे में था ना, राइट? कि आप वापस आ सके? ये सब बस क्रिस्टन की रक्षा करने के लिए है। वो इस वक्त गोल्डार को बना रही होगी। मुझे और मेरी टीम को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तुम उसे रोक नहीं सकते। वो उसे क्रिस्टन को निकालने पर मजबूर करेगी और पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमें जरूरत है आपकी, क्योंकि आप पिछली बार उसे रोकने में कामयाब हुए थे। मैं उन कॉइंस को छुपाते हुए शरीक हुआ हूँ ताकि अगली बार असली रेंजर्स उन्हें लेकर आए। वो जिम में दम हो। सॉरी आपको नाराज करने के लिए, पर मैं यहाँ पे अपनी गलतियों के बारे में सुनने नहीं आया हूँ, समझे? मैं ये घर पे भी सुन सकता हूँ। जेसन, तुम्हें मुझे इस दीवार से बाहर निकालना होगा ताकि मैं इस टीम की मदद कर सकूँ। आपकी टीम मर चुकी है और आप भी हमारी तरह डरे हुए हैं। ये सारे 24 कैरेट गोल्ड बैंड्स हैं। हेलो, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये आपके बजट से थोड़ा ज्यादा कीमत के हैं, पर हमारे पास वही सबसे बेस्ट है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। I'll be right back. आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? गोल्ड मुझे चाहिए, बहुत सारा गोल्ड। हमारे पास यहाँ कुछ अच्छे पीसेस हैं, देख लीजिए। मेरे पास आओ। ये मुझे दे दो। नीचे रख दो और अपने हाथ ऊपर करो, जल्दी करो, जो कहा वो करो। लेडी, लेडी, मुझे लेडी का साउंड अच्छा लगा। जा लेडी, मैं कुछ नहीं होगा। निकलो, चलो भागो यहाँ से। यूनिट 5, मुझे फिनिक्स ज्वेलरी के यहाँ पे बैकअप चाहिए, जल्दी से जल्दी। आई रिपीट, मुझे बैकअप चाहिए, जल्दी से जल्दी। कितना वक्त हुआ है मेरे खूबसूरत बच्चों को बाहर निकाले। Did you miss me? ठीक है, अगर मैं उस दीवार में नहीं हूँ तो मैं जंक फूड खा रहा हूँ। क्या हुआ वहाँ पर? कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। बिली, तुमने वो कैसे किया? तुम मॉस कैसे हुए?
मुझे नहीं पता तुम लोग के दिमाग में क्या चल रहा था जब तुम लोग मॉर्फ बन रहे थे। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा अगर इस कवच को पहनना है तो। बस एक दूसरे के बारे में सोचो और मॉर्फिंग ग्रिड तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हाँ वो अच्छा था। और शायद हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं है और इसलिए हम मॉर्फ नहीं हो पा रहे। ओके नहीं सच में चलो शुरू करते हैं फिर से। मैं जैक हूँ और मैं हूँ एक पावर रेंजर। हाय जैक। हाय जैक। हाय जैक। सही है मैं मेलोडी मोबाइल होम पार्क में रहता हूँ। बस मैं और मेरी मॉम है और मेरी मॉम सबसे बेस्ट है पर मेरी मॉम बीमार है। मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मैं करता हूँ पर मैं डरता हूँ। कभी कभार मुझे रात में बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो लड़ नहीं पाएंगे और अगर वो चली गई तो उसके बाद मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। पता है मुझे तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। चलो यही करें अपने अपने सीक्रेट्स बताते हैं इससे मदद मिलेगी। ओके मेरा एक सीक्रेट है मुझे कंट्री म्यूजिक पसंद है। नहीं दरअसल मुझे कंट्री म्यूजिक से प्यार है और मैं अपने डैड को ज्यादा मिस नहीं करता। मतलब उनके साथ माइंड में आना मेरे लिए सब कुछ था पर माइंड में तुम लोगों के साथ आना मजेदार है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम्हें हिरासत में क्यों लिया। मैंने मेरा लाइसेंस उड़ा दिया था पर वो एक एक्सीडेंट था। ठीक है मेरा लंच बॉक्स लॉकर में था बूम वो गया लंच बॉक्स और ये गया बिले। पर मत भूलो कि किम्बली हार्ट भी हिरासत में थी तो आज नहीं मुझे स्किप करो। और तुम्हारा क्या है डूड तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। क्योंकि सबको पता है मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। और तुम्हारा क्या है पागल लड़की। मैं चाहे कुछ भी कहूँ तुम लोगों को उस पर यकीन करना होगा। ओके मैं थोड़ी अलग थी हमेशा से। तीन स्कूल बदले 3 सालों में पर अजीब बात है मुझे वो पसंद है। पता है ये आसान होता है कोई मुझे पहचान ही नहीं सकता और मेरे पेरेंट्स को चिंता ही नहीं करनी पड़ती मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में। बॉयफ्रेंड का चक्कर। हाँ हाँ बॉयफ्रेंड का चक्कर। गर्लफ्रेंड का चक्कर। मेरी फैमिली बहुत नॉर्मल है बहुत ही ज्यादा। वो पुराने ख्याल के हैं उन्हें अच्छा लगता है अगर मैं अलग ड्रेस पहनूं, बातें करूं, ऐसे दोस्त बनाऊं जो उन्हें पसंद हो। मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें कैसे समझाऊं मुझे क्या चाहिए। और इसमें से कुछ भी मैंने किसी से नहीं कहा। वेल अच्छा है तुम हमारे साथ हो। सच में उसका क्या मतलब है जब ये सब खत्म होगा हम पावर रेंजर्स होंगे या बस दोस्त होंगे। बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। कितनी सुंदर मासूम
क्या जॉर्डन की टीम के सारे रेंजर्स तुम्हारे जितने जवान? अच्छा लगा। क्या तुम मॉर्फ हो गए? जी, अगर तुम मॉर्फ हो गई होती तो हम इस वक्त कुछ और बात कर रहे होते। येलो रेंजर, क्या मैं तुम्हें मार दूं? मैंने येलो रेंजर को पहले भी मारा है एंड आई लव्ड इट। तुम्हें तुम्हारा कवच चाहिए, मैं तुम्हें मेरा दिखाती हूँ अगर तुम मुझे अपना दिखाओ। नहीं प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। I'm just kidding. तुम्हें दम है लिटिल येलो, मैं तुम्हें खुद को देखती हूँ। जॉर्डन की टीम में मैं भी बाहर वाली थी, जस्ट लाइक यू। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वेयर सीओ क्रिस्टल। चलो, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कल मैं एंजल ग्रोव को तबाह करने वाली हूँ, लेकिन अगर तुम बचाना चाहती हो अपनी लाइफ तो उस क्रिस्टल का तुम पता लगाओगी और मेरे पास लाओगी। हम एक डील कर सकते हैं। डील माय फ्रेंड। तुम यहाँ कैसे? What are you doing here? I'm a superhero. और तुमने तुम्हारी खिड़की खुली छोड़ी है। सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे लगता है मेरी वजह से हम मॉर्फ नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कुछ छुपाया है। okay. मैंने मुक्का मारा था टाई फ्लेमिंग के चेहरे पर, क्योंकि उसने सबको बताया कि मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी हूँ, और वो सही था। वो ये सच नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता। वो तुमने वो फोटो लिया? नहीं, अमांडा क्लार्क ने ली थी वो फोटो, खुद के लिए है। पर उसने वो मेरे साथ शेयर की प्राइवेटली, उसने भरोसा किया मुझ पे। और तुमने वो फोटो भेज दी टाई को? मैसेज के साथ जिसमें लिखा था, क्या यही वो लड़की है जिसे तुम अपना बनाना चाहते हो? ओह, मैं कितनी स्वार्थी थी ये मुझे उसका चेहरा देखने पर पता चला। किम, लिटरली हजारों फोटोज ऐसे ही घूम रही है स्कूल में। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क पड़ता है, ये मैंने किया है। मुझे मिस्टर डेटमर के ऑफिस में बैठना पड़ा अमांडा के फादर के साथ, जब वो उन्हें उनकी बेटी की फोटोज दिखा रहे थे। उनकी आंखों में मैं देख पा रही थी वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, पता है? इसलिए मैंने झूठ कहा, मैंने सबको दोषी समझा। मैं मारना चाहती थी इसलिए जब तुमने मुझसे भागने के बारे में पूछा, आई वॉज रेडी। ओके, लिसन, जो हुआ वो भूल जाओ और फोटो को इरेज कर दो। जेसन, वो इरेज नहीं हो सकता। उसे एक्सेप्ट कर लो। तुमने गलती की तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम एक गलत इंसान हो। तुम्हें जो सही लगता है बस तुम वही करो। तो हम सबको एक जैसा मैसेज मिला है, तो वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। सुनो, रीटा आज रात को मेरे घर आई थी। क्या? हाँ, वो सच में है पागल। वो मुझे मारने ही वाली थी। वो चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊँ। उसने कहा कि वो मुझे छोड़ देगी अगर मैं सीक्रेट रखूँ। कौन सा सीक्रेट? यही कि सुबह एंजल ग्रोव की तबाही शुरू होगी। ये सच है? This is the end. No, it's not. वो कहाँ है? जहाँ खराब जहाजों की मरम्मत होती है वहाँ मिलेगी। Okay, मतलब डॉक्स के पास बोट यार्ड में, राइट? क्या? Let's go. Are you serious? कोई नहीं आएगा। सना, हम अब तक पावर रेंजर्स बने भी नहीं है। हमें जॉर्डन के पास जाना चाहिए। Okay, एक ही रीजन था कि जॉर्डन चाहता था कि हम पावर रेंजर्स बने ताकि वो लाइफ में वापस आ सके, ऑलराइट? तुम ये कैसे कह सकते हो? उसने मुझसे खुद कहा। रुको, मतलब ये सब झूठ था? ऑफ कोर्स ये सब झूठ था बिली। हम हार गए। अच्छा होगा कि हम भूल जाए हम सुपर हीरोज हैं। हम सबके सब बेवकूफ हैं। हम सब बेवकूफ हैं। और भले ही मैं इस घटिया और बकवास शहर से नफरत करता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि यह शहर मेरे सामने खत्म हो जाए। तो चलो जाकर वो करते हैं जो हमसे कहा गया है, रीटा को मारना।
तुम्हें पता है ये बहुत बकवास आइडिया है, राइट? बहुत ही ज्यादा। लेट्स वोट, अपने हाथ उठाओ। मुझे लगने लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें ये भी बताना हो कि खराब जहाज कहाँ होते हैं। Let's play. रेंजर्स फंस गए जाल में और लीडर हेलो रेड, लगता है तुम इतने भी बुरे नहीं हो। जरा देखो तुम्हें मेरा प्लान जानने की कोशिश कर रहे हो। मैं बता देती हूँ, येलो ने तुम्हें लाकर छोड़ा है तुम्हारी मौत के पास क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ वन बाय वन, तब तक जब तक तुम मुझे नहीं बताते क्रिस्टल कहाँ है। इस बारे में कुछ नहीं पता। नो रेड, तुम्हें नहीं पता है बट गेस व्हाट, तुम में से एक को पता है। वो कौन हो सकता है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ब्लू। कितनी ईमानदार, दिल की साफ। अपने लोगों को बताओ तुम क्या जानती हो, मेरा क्रिस्टल कहाँ है? तुम मुझे बता सकते हो अभी ब्लू, या तुम मुझे बता सकते हो जब मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक। ये तो अभी मरेगा। बस तीन दो और ओके। मेरे दोस्तों को कुछ मत करो, ठीक है? वो एक होटल में है। वेल, उसका मतलब क्या है? क्या है नाम उसका? वो क्रिस्पी क्रीम में है। क्रिस्पी क्रीम? क्रिस्पी क्रीम? क्या ये खास जगह है? बहुत खास। इट मस्ट बी। लगता है जीवन का अंश वहाँ छुपा हुआ है। थैंक यू ब्लू, इतना कमजोर होने के लिए। जॉर्डन मुझे भूल जाएगा अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो। टू किल यू, एटलीस्ट तुम में से एक को। तुम मुझे मारने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है। जल्दी जल्दी को रोक लो। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हे बिली, हे आगे खोलो बिली। कम ऑन बिली, कम ऑन, चलो तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। हम
उठाओ उसे, इसे उठाने में मदद करो मेरी। Come on! मेरी वजह से चिंता नहीं है। नहीं जेसन, वो हम सब की वजह से हुआ है। नहीं, मैंने पुश किया और हमेशा की तरह मैंने गलत डिसीजन लिया। मेरे 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 डर से, मेरे गुस्से से, पता नहीं मुझे क्यों, पता नहीं मुझे किस लिए इतना गुस्सा आता है। वो एक अच्छा दोस्त था, यू नो, और वो हमसे प्यार करता था। उसे पसंद था एक ब्लू रेंजर बनना। I'm sorry, Billy. अगर हो सकता तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे देता। शायद उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हाँ, दे दी। लेकिन मैं भी देता। मैं भी। अब हम सिर्फ चार हैं। सच तो ये है, हमने एक दूसरे से जो भी कहा उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये है वो जिससे फर्क पड़ता है। जिंदा किया। मैंने पहले ही कहा था तुम सब सुपर हीरोज हो। यहाँ सिर्फ एक ही रेड रेंजर हो सकता है। जेसन, ये तुम्हारा वक्त है।
ये तुम्हारी टीम है। थैंक यू। वो अजीब था, मैंने अपने डैड को देखा। वेलकम बैक माय फ्रेंड। हमें क्रिस्पी क्रीम में जाना चाहिए जैसन। क्या डोनट्स के लिए नहीं? okay. चलो कोशिश करते हैं। शुक्रिया जोरा। Woo!
चलो सबको मारते हैं। दोस्तों तुमने देखा जॉर्डन को क्रैश नहीं किया सच में गाइस हम लेट हो गए। ओ मैन ये तो बहुत सारा सुन। क्रिस्टल को बचाना है हमें राइट। हम एंजल ग्रुप जा रहे हैं जॉर्ड के पास चलते हैं। ये वैन चलाने से बहुत ज्यादा अलग है। ये बढ़िया है मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। जाओ जाओ पावर रेंजर्स। ये मुझे संभाल ले रहा है जैसन मैं पीछे जा रहा हूँ। गाइस हमारा शहर वो उसे तबाह कर रही है। वहाँ नहीं रीटा और उसके गोल्डन बॉय को अभी तक क्रिस्पी क्रीम मिला नहीं okay, है। ओके टीम तुम उन्हें वहाँ रोक के रखो। जैक बिली तुम क्रिस्पी क्रीम के आसपास रहो और उसे सेफ रखो। मैं सीधे गोल्डन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है मैं उसे रोक के रखती हूँ। टीम मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेट्स गो गाइस। बस हम दोनों हैं। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। सरप्राइज रेंजर्स को अपना सूट मिला है और वो खिलौनों के साथ आए हैं तो चलो उन्हें खेल खिलाने के लिए कुछ देते हैं। कुचल डालो उसे और कितनों की जरूरत है। दिस इज इनसेन। I'm sorry, Bumblebee! Woohoo! Yeah! Abhi batata hu. Main na hatane pa raha hu. Move your head! Meri baat suno! Okay. Nice game! वो क्रिस्टल। ओके कम ऑन लेट्स मूव। शी फाउंड द क्रिस्टल। चलो कम ऑन निकलते हैं। मैं तुम्हारा डैड हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं डाउनटाउन पे हूँ और मैं मैरिनर बे और रीच साइड पर हूँ और मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करो। क्यों मजा आया कि नहीं? हम ये कर सकते हैं चलो। I'm coming!
देखो सब ठीक है, मुझे अपना हाथ दो। ढूंढो गोल्डर। मैं और जैक गोल्डर को पानी में धकेलने की कोशिश करते हैं। देखो ओके हम ओके गो। दोस्तों मदद करो। रेडी, मेरे पास एक आइडिया है। रेडी? हाँ, पर किस लिए? मुझे नहीं पता क्या दबाना है। ओके वॉच दिस आउट रीटा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया डूड। क्या हमने कर दिखाया? क्या हम जीत गए? को महसूस कर सकते हैं। वो वापस आ गया। वो इनक्रेडिबल है। ओह माय गॉड, कम ऑन लेट्स गो। अब ध्यान से सुनो, जगह से हिलना मत। ओके, वी गॉट इट। कम ऑन, कुचल दो उनको। ओके फायर। अगर तुझे मुझे मारना है तो आ जा मेरे भाई। जेसन मैं आ रही हूँ। किम, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। आई गॉट यू। नहीं मरेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं।
दोस्ती का जवाब नहीं। एक दूसरे को पकड़े रहो। मेरा क्रिस्टल लाओ। फिल्मी लगता है, मतलब बहुत बड़े बन गए हैं। कैसे बताओ? तुम्हें तो अपने पैर हिलाने चाहिए। नहीं नहीं, मैं हाथ हिला सकती हूँ। मैं हूँ सबका पैर। तुम भी पैर में हो। मैं भी हाथ मूव कर सकती हूँ। हम सबको एक साथ काम करना होगा। मैं सबको उठाती हूँ। सब रेडी, तीन गिनने पर। 1, 2, 3। जैक हमें पकड़ो। करते हैं किम्बली, उसे पंच मारो अभी। ओ, काश मैं भी मुक्का मार पाता। बहुत अच्छे बिली। जेसन, उसके लिए कुछ सोचा है? ट्रेनिंग याद है तुम्हें? हाँ। हे, मुझे उससे नफरत है। रेडी? आई एम रेडी। रेडी 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 नाउ। हथियार निकालो, हमारे पास तलवारें भी हैं। रुको, मेरी तरफ देखो। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? मैं क्रिस्टल के लिए आई थी, बाकी भी आएंगे। जो तुम्हारे पास है वो हमेशा नहीं रहेगा। यू नो आई एम राइट? नो, मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए मैं चाहता हूं तुम अपनी स्टिक और कॉइन हमें दे दो, फिर हम तुम्हें जॉर्डन के पास ले जाएंगे और आखिरी फैसला उसका होगा।
सॉर्डन मुझे जज करेगा? नेवर। सॉर्डन चाहे तुमसे कुछ भी कहे, मुझे पता है मैं कभी हालत नहीं हो सकती। मिली, मारो, नाउ। जेसन, क्या तुमने अभी उसे थप्पड़ मारा? हाँ मारा ना, मजा आया तुम्हें? वो सही था, पता है वो एक तुम सब वो मजेदार है। हाँ ये बहुत ही डरावना था। हमने कर दिखाया। प्रिंसिपल फैग है? क्या है ये? मुझे नहीं लगता वो मुझे देख सकते हैं। उनकी वजह से आज हम जिंदा सकते तुमने उसे पाया है? मैं उसके लिए वापस आऊंगा। वो बहुत बढ़िया था, फिर मिलेंगे दोस्त। सबसे बड़ा था वो, मैं बनाना चाहता हूँ। नहीं मुझे ब्लू चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। hey, क्यों ना तुम उनमें से येलो बन जाओ। हाँ ये येलो वाला, ये काफी कूल है। तुम्हें कैसे पता वो लड़का है? मैं आता हूँ। इस टीम ने वो कर दिखाया जो मेरी टीम नहीं कर पाई। तुम अपने दोस्तों में सीधे साधे बनकर रहोगे, पर हीरो कहलाओगे। अटेंशन, अटेंशन एंड डिटेंशन। महान रेंजर्स की टीम के साथ तुम्हारा एक का नाम लिखा जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। One fall down, but together we are great. And I'll be where when we all stand.
Motions with you, lights too bright, tell them fix the fixtures. I'm way too grown to be acting ignorant. People scared to push it to the limit, that's a damn shame. Everybody tripping, she be getting with the campaign. Celebration, bitches, time to hit them with the champagne. Win hard cash, can't hit them with the flex. From school in detention, drooling on desk. To the man in the myth, I'm booming so blessed. Don't you see it in my eyes? It'd be wise to respect that. Never get set back, baby, you can bet that. Let me get a hand clap, let me get the front page. I heard one still good. Down young age, funny how I'm feeling like I'm finna live forever. Though I got the power, I came to let him know. Oh, तो हमारे डिटेंशन में एक और स्टूडेंट आया है. वो है टॉमी ओलिवर. टॉमी ओलिवर. टॉमी ओलिवर. टॉमी ओलिवर. टॉमी ओलिवर. Cranston. धुआं मेरे वजह से हो रहा है. धुआं मेरे वजह से हो रहा है. I'm sorry.